كمال با كمال جهان علي سيد ابو القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد صلوات وعلى الطيبين الطاهرين والمعصومين أما بعد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سب سے پہلے خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر بجا لاتا ہوں جس نے ہمیں اس جگہ پر پہنچنے کی توفیق دی، اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں پروردگار ہمیں ہمیشہ اس دین حق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھتے محمد و آل محمد پر جس کے طفیل سے یہ دین اسلام قائم اور زندہ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ میں اردو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بلتی میں زیادہ سنتے آئے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو عجیب محسوس نہ ہو جائے. میں نے ابھی ایک آیات اور ایک حدیث کا حدیث آپ لوگوں کے اذہان مبارک پر پہنچا دی. اب یہی مقایسہ کرنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. اگر قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہو سکتا اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اس دنیا سے رخصت ہو کر جاتے ہیں تو فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی، میں تمہارے درمیان دو گرا پہا چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اگر تم قرآن اور اہل بیت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، اگر تم اہل بیت اور قرآن کو اپنے دامن میں تھام لو گے تو تم کامیاب و کامرہ ہو جاؤ گے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اہل بیت کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور قرآن کو بھی تھامے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمارے لیے
इतना अच्छा है कि हम पैगंबर के मानने वाले भी हैं, अहले बैत के मानने वाले भी हैं। पैगंबर ने दीन को लेकर आया, क़ुरान को पैगंबर, खुदावंद आलम ने पैगंबर को, पैगंबर के पास क़ुरान को भेजा। अब इस दीन और क़ुरान को बचाने के लिए अहले बैत की जिम्मेदारी थी। अहले बैत ने इस दीन को भी बचाया, इस क़ुरान को भी बचाया, इस क़ुरान को नोके नेज़े पे चढ़ाया, तब भी इस दीन को, इस क़ुरान को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहले अय्याल को क़ुरबान किया। अब ज़रा सोचिए कि हमें इन पर किस तरीक़े से अमल करना चाहिए, क़ुरान पर और अहले बैत को किस तरीक़े से मानना चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम क़ुरान को मानेंगे, अहले बैत को नहीं मानेंगे, तब भी हम गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि खुदा पैगंबर ने आखिरी वक्त जब इस दुनिया से रुखसत होके जा रहे थे यही फरमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा बहा चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक क़ुरान एक अहले बैत। जब दोनों को ले कर चलोगे तो आप गुमराह नहीं हो जाओगे, अगर एक को छोड़ोगे एक को पकड़ोगे तो तब भी आप गुमराह हो जाओगे। इसी वजह से सैयद मोहम्मद नूरबख्श जो हमारे पीरान तरीक़त क़ुरान की अहमियत को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, आप लोगों को एतक़ाद करना वाजिब है तौरात पर, इंजील पर, ज़ुबूर पर और क़ुरान पर, ज़ाहिरी और मानवी लिहाज से, और अलवियत दी गया है, मुमताज़ दिया गया है इस क़ुरान करीम को। क्यों? इस वजह से कि तौरात इंजील ज़बूर में इन्हराफ हुआ, बदला हुआ, चेंज हुआ, लेकिन क़ुरान चेंज नहीं हुआ। क़ुरान जैसे पैगंबर के दिल मुबारक पे जिस तरीक़े से आया था उसी तरीक़े से ता क़यामत बाकी रहेगा। इसी वजह से खुदावंद आलम ने इस क़ुरान को बचाने के लिए अपनी खुद ने जिम्मेदारी ली है, इस क़ुरान को मैं बचाऊँगा। अगर इसके बावजूद भी खुदावंद आलम ने यह भी कहा कि अगर इसके जैसा और क़ुरान ला सकते हो तो, दुनिया भर के लिए चैलेंज भी दिया। इस मफहूम से सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने किताब एतिकादियाम के इस मफहूम से क्या मालूम हो जाता है, हमारे पीरान क़ुरान के लिए कितना अहमियत देते थे। सैयद मोहम्मद नूरबख्श ने 7 साल की उम्र में क़ुरान को हिफ्ज किया। हज़रत मारूफ करखी का एक वाक़या है, एक दिन वो दरिया के किनारे वज़ू करने जाते हैं, अपने क़ुरान और जयनमाज को मस्जिद पर रख जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक चोर औरत आती है, आने के बाद क़ुरान और जयनमाज को उठा के ले जाती है। जब ले जाती है हज़रत मारूफ करखी उसको देखते हैं, देखने के बाद उसका पीछा करते जाते हैं। फिर उस औरत को आवाज़ देते हैं, ए औरत, तुमने जो सामान लेके गया है वो मुझे वापस लौटा दो। फिर हज़रत मारूफ करखी अर्ज़ करते हैं, ए औरत, अगर तुम्हारे घर में क़ुरान पढ़ने के लिए कोई है तो इस क़ुरान को लेकर जाओ, अगर तुम्हारे घर में कोई नमाज पढ़ने वाला है तो इस क़ुरान, इस जय नमाज को भी लेके जाओ। जब यह कहा तो वो ज़ईफ़, वो चोर औरत शर्म से सर को झुकाती है, झुकाने के बाद अर्ज़ करती है कि मेरे घर में कोई क़ुरान पढ़ने वाला नहीं है। फिर हज़रत मारूफ करखी कहते हैं, अगर तुम्हारे घर में क़ुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है तो ये क़ुरान मुझे वापस लौटा दो, और अगर तुम्हारे घर में नमाज पढ़ने वाला कोई है तो ये जय नमाज आप लेकर जाओ, इसमें नमाज पढ़ो। इस वाक़े से क्या
नतीजा मिलता है कि हमें कुरान की कितनी अहमियत दिया है कि अगर कोई कुरान नहीं पढ़ता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए तबाही और बर्बादी है ख़ुद की। हम इंसान एक दूसरे के सामने हम अपनी बेइज्जती करते हैं कि इसने तो कुरान नहीं पढ़ा है, इसने कुरान नहीं पढ़ा है, हर किसी के सामने इस बात को डिंडोर कर लेते हैं। इस कुरान की अहमियत आप क्या जानते हो? इसका पढ़ना भी सवाब, इसका देखना भी सवाब, इसका सुनना भी सवाब, इसका हर लिहाज से देखा जाए। अगर एक इंसान तावीज़ लिखता है तो वो तावीज़ के अंदर एक इंसान बीमार है उसके लिए क्या शिफा मिलती है? अगर कोई उस तावीज़ के अंदर अम्मा युजीब मुस्तर इज़ा दहा व यक्शिफ़ुस्सू की आयत जब लिखी जाती है तो जो कोई मरीज़ है उसको शिफा मिल जाती है। इस कुरान को छोटा मामूली चीज़ न समझो, इस कुरान को अहमियत दो, इस अहले बैत को अहमियत दो। इस अहले बैत ने इस कुरान को बचाने के लिए, इस दीन को बचाने के लिए कितने जहमतें उठाई हैं। एक शाम से एक शख्स आता है, आने के बाद इमाम को गालियां देता है। ये अहले बैत का किरदार देखिए, अहले बैत हमें किस तरीके से अपनी तरफ जज्ब करते थे। अब ये देखो, एक शाम से एक शख्स आता है, आने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गालियां गलौज देना शुरू कर देता है। जब गालियां गलौज देता है तो इमाम हसन खामोशी से बैठ जाते हैं। बैठ जाने के बाद जब वो गाली गलौज ख़त्म हो जाती है, थक जाता है, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए शख्स तुम मुसाफिर हो, तुम्हें किसी ने बहकाया है मेरे ख़िलाफ़, तुम कोई मुश्किलात में हो जिसकी वजह से तुम्हें बहकाया गया है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, आओ मेरे घर चलते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम घर लेकर आते हैं, आने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसको सबसे पहले हाथ धुलाते हैं, धुलाने के बाद खाना खिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद लिबास देते हैं, कपड़े देते हैं, कपड़े देने के बाद अर्ज़ करते हैं, ए शामी शख्स जो तुमने मुझे गालियाँ दी, उस गालियों का नतीजा मैं आपको अच्छी चीज़ों से दूंगा, आपको लिबास दूंगा, आपको खाना दूंगा, अगर आपको माल और दौलत ज़रूरत है तो मैं उसको भी आपके लिए निछावर कर दूंगा। यह था किरदार इमाम हसन का। इमाम हसन के लिए इतना गालियाँ दिया, उसके बावजूद भी इमाम ने कुछ भी नहीं कहा। अगर हम में से कोई होता गाली गलौज दे देता तो उठा के उसके दो रैपड़ मार देते, लेकिन हम इमामों के किरदार को अपनाएं तो हम एक दूसरे के लिए भाई भाई बन सकते हैं, लेकिन हम आज एक दूसरे के लिए खूनी बन जाते हैं। पैगंबर का वाकया देख लीजिए, एक ज़ईफ़ औरत जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त मस्जिद में नमाज के लिए जाते थे, एक गली से गुजरते थे तो उस गली में पैगंबर के ऊपर वो ज़ईफ़ औरत कबाड़ कूटा, जितना भी घर का कबाड़ कुचरा था उसको पैगंबर के ऊपर गिरा देती थी। जब वापस आता था नमाज पढ़ के फिर दोबारा गिराती थी, क्योंकि उसको टाइम मुअय्यन था, पैगंबर किस टाइम नमाज के लिए जाते हैं किस टाइम वापस आते हैं, उनने अपना टाइम टेबल बना के था। लेकिन पैगंबर कुछ भी नहीं कहते थे, फिर वो आके अपने कपड़ों को साफ करते थे फिर आ जाते थे घर। एक दिन ऐसा हुआ कि वो ज़ईफ़ औरत बीमार हो जाती है, होने के बाद पैगंबर अर्ज़ करते हैं, ए आज वो ज़ईफ़ औरत नहीं है जो मेरे ऊपर कबाड़ फेंकती थी। तो एक ने कहा कि वो ज़ईफ़ औरत आज बीमार हो गई है, तो पैगंबर अकरम उसकी आदत के लिए जाते हैं, उसके खैर व आफियत के लिए जाते हैं। तो पैगंबर के जाने के बाद वो ज़ईफ़ औरत कहती है, आज इन्हें मौका मिला है मुझे मारने का। जब ये कहा तो पैगंबर ने अर्ज़ किया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ बल्कि मैं तुम्हारी खबर लेने आया हूँ। जब खबर लेने के लिए आया, पैगंबर ने खैर व आफियत पूछा,
उसके लिए कुछ ऐसा तोहफा भी दिया। देने के बाद वो ज़ईफ़ औरत खड़े हो जाती है, खड़े होने के बाद पैगंबर के कदमों में गिर जाती है, ए पैगंबर मैंने तुम्हें पहचानने में ताखीर की, जबकि मैंने आपके ऊपर इतना कचरा कबाड़ फेंका उसके बावजूद भी आपने कुछ भी नहीं कहा, उसके बावजूद मैं बीमार हो गई लेकिन आप मेरी खबर के लिए भी आ गए। तो उसी वक्त वो ईमान लाते पैगंबर के ऊपर और कलमा पढ़ते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। ये था हमारा अहले बैत का किरदार, 14 मासूमीन का किरदार, जो हमारे दीन के लिए, जो हमारे कुरान को बचाने के लिए इतनी कुर्बानी दी। आज हम इस कुरान को ताकों पे रखे हैं, अगर कोई मर जाता है तो उस वक्त वो कुरान उतर के मुर्दों के लिए पढ़ी जाती है, इसाले सवाब के लिए पढ़ी जाती है। वही कुरान, असल कुरान तो जिंदों के लिए भेजा गया था ताकि जिंदा पढ़ें, उस पर अमल करें। आज सियासदान ने क्या किया, कितनी तरक्की किया, जो 1400 साल पहले कुरान के बाद कुरान में जो कुछ बयान था वो आज सियासदान ने पूरा इस चीज़ को उठा के कुरान के ज़रिए से उठा के आज वो काम अंजाम दे रहा है। ज़रा सोचिए, हमारे बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतने महंगे स्कूलों में, इतने महंगे किताबों में खर्च करते हैं, लेकिन दीन के लिए, कुरान के लिए 100 रुपये देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। अगर कोई कुरान पढ़ाता है उसके लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन इंग्लिश के किताबों में आप हज़ारों और करोड़ों रुपये खर्च करते हैं लेकिन कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। यही कुरान हमारे कब्रों में भी काम आता है, जब हम मर जाते हैं तो भी काम आता है, जब हमें दफन करते हैं तो भी काम आ जाता है। लेकिन यह दुनिया की किताबें, मैं नहीं कहता हूं कि आप दुनिया की ना पढ़ो, पढ़ो इस तरह से पढ़ो कि आप इस्लाम के भी कुछ नॉलेज होना ज़रूरी है। आज हमारे बच्चों को दुनिया के नॉलेज में इतना फ़र्क किया लेकिन कुरान से दूर, अहकाम से दूर और इत्तेका से दूर कुछ मालूम नहीं है कि हम अपने मौली से पूछेंगे हमारे फिक्र में क्या बयान है। हमारे किताबुल इत्तेका ने हमें क्या फरमाया, आखिर इंसान किसी के साथ मुकाबला हो जाता है, किसी के साथ मुकाबला हो जाता है तो उस वक्त शिकस्त खा जाता है, हमें क्या करना है। आज हमारे बच्चे दूर दराज में पढ़ रहे हैं लेकिन जब किसी दूसरे मजहब के साथ मुकाबला होता है तो उस वक्त हमारे बच्चे सर झुकाए बैठ जाते हैं, हमें कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि मदरसे में ही भेजकर सब कुछ हो जाए, लेकिन आप अपने बच्चों को घर में भी तालीम दे सकते हैं, अच्छे अच्छे ऐसे कारी को बुला सकते हैं। जितना दुनिया की किताबों में खर्च करते हो उतना दीन की किताबों में भी खर्च कर सकते हो। आपका बच्चा जब कुरान पढ़ता है तो उसे तजवीद पढ़ाओ, अगर तजवीद पढ़ता है तो उसके बाद तफसीर पढ़ाओ, तफसीर जब पढ़ता है तो आप दावत सोफिया पढ़ाओ, दावत सोफिया जब पढ़ता है तो फ़िक़हुल अहवात पढ़ाओ, जब फ़िक़हुल अहवात पढ़ता है तो किताब एतकादिया पढ़ाओ। क्या सिर्फ दुनिया की किताबों से कुछ हासिल नहीं होगा, आखिरत का भी सोचो। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अब दुनिया मज़रतुल आखरा, ये दुनिया एक आखरत की खेती बाड़ी है। जिस तरीके से आज हमने खेतों में जो फसल बो दिया उसके बाद हमने उसको काट दिया, ख़त्म हो गया, इसी तरीके से ये दुनिया भी फना होने वाली। तो उस वक्त रोज़ महशर जब हमें बुलाया जाएगा, जब इकट्ठा किया जाएगा तो लोगों के एक दूसरे से सवाल पूछा जाएगा खुदावंद, तो इंसान कहेगा, हाथों को मलेगा, खुदाया मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं उन आपने जो जो फरीज़ा अंजाम दिया था, नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था, रोज़ा रखने का हुक्म दिया था, कुरान पढ़ने का हुक्म दिया था, उन सब पर मैं अमल करूँगा। तो खुदावंद आलम मुस्तिन कहेगा कि आपकी इम्तिहान ख़त्म हो गई, आपका नतीजा आएगा,
अब उस वक्त इंसान का नतीजा, इंसान की ज़बान नहीं बोलेगी, इंसान के आज़ा बोलेंगे। आपने चोरी किया है तो आपके हाथ बोलेंगे, आपने अगर किसी की गिबत की है तो आपकी ज़बान बोलेगी, आपने अगर किसी नामहरम को देखा है तो आपकी आंखें बोलेंगी, आपने किसी की गिबत सुनी तो आपके कान बोलेंगे, आप अगर किसी की ज़मीन पर बग़ैर इजाज़त के गए हैं तो उस वक्त आपके पैर बोलेंगे। उस वक्त हमारे सारे के सारे आज़ाब के लिए जवाब देंगे। तो ज़रा सोचिए कि हमें इस दीन हक के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ता है। आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, इस दीन को बचाया तो भी हमारे जितने भी पुराने हैं उन लोगों ने बचाया। तो इस दीन के लिए कुर्बानी आप लोगों को भी देना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो आप जिस तरीके से, अगर एक इंसान के वालिदैन इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं तो उसके बच्चे कुरान नहीं पढ़े हुए हैं तो वह सालों भर साल उनके वालिदैन के लिए फातिहा भी नहीं होगी, न खुद पढ़ानी है तो कहाँ से बच्चों माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ेगा। अगर अभी से आप अगर बच्चों को कुरान पढ़ाओगे तो फिर कल तुम मर जाओगे, कल कोई भी मर जाए तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए कम अज़ कम जुमरात के दिन आपके बच्चों के लिए फातिहा तो कर सकते हैं। आज हमारे कुरानों को ताकों में रखा गया है, वो ताक में जब अगर किसी के दिन कोई किसी के मरहूमीन अकरबा फौत हो गए हैं तो उस वक्त कुरान को लाते हैं, खूबसूरत से खूबसूरत कुरान को उठा कर लाते हैं। जो बाशेख या जो आखुन साहब आज तो फातिहा पढ़े, हमारे मरहूमीन फौत हो गए हैं उनके लिए कुरान पढ़े, उस टाइम दसों कुरान पढ़ा देते हैं, उसके बाद फरामोश कर जाते, भूल जाते हैं कि हमारे अकराबी मर गए थे क्या। तो ज़रा सोचने का मौका है, इस अहले बैत ने इस दीन को बचाने के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। इस दीन को सन 40 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया, इब्ने मुल्जिम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के गर्दन पे तलवार लगाया, और उसके बाद सन 60 हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ख़ुद की बीवी ने जहर देकर शहीद किया, और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब मदीने में थे, हज में थे, तो उस वक्त यजीदों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने में हज करने नहीं दिया। इमाम को मालूम हुआ कि यजीद ये चाहता है कि इस खाने काबा में मेरा खून करे, लेकिन इमाम ने उस पाक जगह को नापाक नहीं करना चाहते थे, तो इमाम ने हज को उम्रे में तब्दील किया और इमाम करबला की तरफ रवाना। इमाम करबला पहुँचे तो मुहर्रम को खेमों को लगाया और 7 मुहर्रम से इमाम के खेमों में पानी बंद किया गया, और उसके बाद 10 मुहर्रम को शहदाए हुसैनी इस दुनिया से रुखसत कर चुके, शहीद हुए, शहादत के दर्जे पे पहुँचे, और शाम गरीबा आई। उस शाम गरीबा में हज़रत ज़ैनब और उसके बच्चे बीमार आबित हैं, यजीदी लश्कर खेमों पे आते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं, माओं के रिदाओं को छीन लेते हैं, जो सामान था असबाब था उसे लूट लिया जाता है। उस वक्त एक घोड़ा सवार शख्स आता है, आने के बाद अरस करता है तो हज़रत ज़ैनब अरस करती है, ए शख्स तुम कौन हो, हमारे सामान लूटे गए, हमारे माँ बहनों की रिदाएँ छीनी गई, हमारे खेमों में आग लगा दिया गया, और अब तुम क्या लेने आए हो, क्या चाहते हो हमारे से, अब हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। तो वो घुड़सवार थोड़ा सा आगे जाता है तो अली की बेटी ज़ैनब खड़े हो जाती है और कहती है, ए घुड़सवार
अगर थोड़ा सा और आगे चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद घुड़सवार अपने चेहरे से नकाब को उतारते हैं। उतारने के बाद अर्ज करते हैं, ए बेटी, मैं तुम्हारा बाबा हूँ और तुम्हारी हिफाजत करने आया। जब ये बात कहा तो अली की बेटी ने अर्ज किया, ए बाबा, तुम मेरी हिफाजत के लिए अब आए हो? तुम मेरी हिफाजत के लिए अब आए हो जब मेरा कासिम इस दुनिया से रुखसत होकर चले गया, जब हजरत अबुल फजल अब्बास इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए, अली अकबर इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए, अली असगर छह महीने का अली असगर इस दुनिया से रुखसत होकर चले गए, तो उस वक्त तुम नहीं आए बाबे, अब तुम हमारी मदद करने आए हो। 11 मुहर्रम आ जाती है, आने के बाद यजीदी लश्कर अपने जितने भी फौत हुए थे, जितने भी मर गए थे, उनको अपने घोड़ों में सवार करते हैं। हजरत सकीना बीमार आबिद, हजरत ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोग लगाकर इस कूफे से शाम, शाम से कूफा फिराना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त हजरत ज़ैनब के मानने वाला एक शख्स अर्ज़ करता है, ए ज़ैनब, मैं तुम्हारे लिए क्या खिदमत कर सकता हूँ? तो हजरत ज़ैनब अर्ज़ करती है, जो नेके नोके नेज़े पर जो सर रखे गए हैं उनको ज़रा हटा दीजिए, हमारे सर पे चादर नहीं है। अज़रकुम अल्लाह, आज 13वीं मुहर्रम, आज 13वीं मुहर्रम में बनी असद के लोग आते हैं, उस वक्त वो लोग फरार होके होते हैं, भागे होते हैं, जंग होती है तो बनी असद के लोग आते हैं। आने के बाद नहरे फुरात जाते हैं पानी लाने के लिए, तो उस वक्त देखते हैं कि तमाम के तमाम लाशें पड़े हैं, कि मालूम नहीं हो रहा है कि अगर इंसान मर जाता है तो एक चीज़ से मालूम हो जाता है, वो सर से मालूम हो जाता है, लेकिन करबला में जितने भी लाशें थे उनके सरों में से, उनके लाशों में सर मौजूद नहीं था। बनी असद के लोग अर्ज करते हैं, हम किस तरीके से दफनाएं, किस तरीके से इनके कब्रों में नाम लिखे कि कौन था कौन नहीं था? तो यजीदी लश्करों में से था या इमाम के लश्करों में से था? थोड़ी देर के बाद एक घोड़े की आवाज़ आती है, आने के बाद इमाम सज्जाद बीमार करबला आते हैं, आने के बाद क्या अर्ज़ करते हैं, ए बनी असद वालों, थोड़ी देर सब्र करो, मैं बता देता हूँ कौन सा किसका लाश है। इमाम बरस करते हैं, ए बनी असद वालों, तुम लाशों को उठा कर लाओ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। और इमाम सबसे पहले इमाम हुसैन का लाश आता है, आने के बाद मौजज़े से कब्र बना होता है, इमाम खाक उठाते हैं और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दफन करते हैं। दफन करने के बाद अर्ज़ करते हैं, ए करबला, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हुई मेरे बाबा के जिस्म मुबारक को दफन कर दे की? फिर उसके बाद इमाम बनी असद वाले हर एक एक लाश को उठा कर लेता है, लेकर आते हैं, कभी कासिम का लाश लेकर आते हैं, कभी अली असगर का लाश उठा कर लाते हैं, कभी कासिम का लाश उठा कर लाते हैं, कभी ओन मोहम्मद का लाश उठा कर लाते हैं, कभी त
तो कभी अली अकबर का लाश उठा कर लाते हैं, सारे लोगों को दफन करने के बाद इमाम अर्ज करते हैं, ए बनी असद वालो अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एक लाश बचा है। एक लाश बचा है। तो बनी असद वाले कहते हैं कौन बचा है, तो कहा कि वह हजरत अबुल फजल अब्बास जो दरिया के नहरे फुरात के किनारे सोया हुआ है। फिर उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नहरे फुरात के किनारे जाते हैं, जाने के बाद हज़रत अब्बास के लाशों को उठाते हैं, एक कपड़े में उठाते हैं और उसके बाद कब्र पे उतारते हैं। आप ज़रा देख लीजिएगा, जब करबला जाओगे तो हज़रत अबुल फजल अब्बास का रोज़ा यानी कब्र जाए कब्रगाह इतनी छोटी है, क्योंकि इमाम ने हज़रत अबुल फजल अब्बास के लाशों को टुकड़ों को जमा करके दफन किया था। फिर उसके बाद आखिरी जुमला, फिर उसके बाद इमाम के पास आते हैं, जब हज़रत अबुल फजल अब्बास को दफन करते हैं, बनी असद वाले इमाम के पास आते हैं, ए शख्स आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आप कौन हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अर्ज़ करते हैं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा बीमार करबला हूँ। फिर उसके बाद इमाम दोबारा कूफा जाते हैं, जाने के बाद इमाम के गले में तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ था, लेकिन जब इमाम शाम में जब पहुँचे अगर कोई खाना लाता था तो इमाम इतने रोते थे, अगर कोई पानी लाता था करबला को याद करते थे, इतना रोते थे कि जो खाना लाया गया था उस खाने की प्लेट में इमाम के आंसू भर जाते थे। अल्लाह ने तुम्हारा ये कौम ज़ालिमीन वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू यनक़लिबून मातम हुसैन।